नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में जनपद की 1006 करोड़ की 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तब इसी तरह से कार्य सौगात मिलता है। अब आदर्श आचार संहिता लगने वाली है, इसके बाद यह सौगात भी नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि होली भी आने वाली है, यह वह समय होगा जब चुनाव चल रहा होगा। यदि रवि किशन फिल्म की शूटिंग में मुंबई न जाए तो हो सकता है कि चुनाव अखाड़े में होंगे, उस समय की कोई सौगात भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम सभी आपको सौगात देने के लिए आए हैं। जनपद की 1000 करोड़ से सभी विकास परियोजनाओं का लाभ नागरिकों को मिलेगा। इसके लिए दृष्टि से सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि ने प्रयास किया था कि यह आपकी उपस्थिति में हो, क्योंकि उनके पास आप सभी को इन उपलब्धियों को लेकर जाना है। यह जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि जब केंद्र व प्रदेश व निगम सहित जिला पंचायत में भाजपा की सरकार होगी तभी विकास हो पाएगा, यदि नहीं होगी तो दिक्कत होगी। इसलिए तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बने तो योजनाओं का लाभ आने वाली पीढ़ी को भी मिलता रहेगा। उन्होंने कहा पूरा देश आज उत्साह व उमंग के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा अयोध्या धाम में 65 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। आप सभी को चुनाव से पहले अयोध्या का दर्शन करना चाहिए। जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर अयोध्या का दर्शन करवाया जाए, क्योंकि 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर बना है, जिसके लिए 1990 के दशक में आंदोलन होते थे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो रामलला भी आ गए हैं, इसलिए सभी लोगों को दर्शन करना चाहिए। यह कभी नहीं हो पाया था, कभी कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन आज संभव हुआ है। वही काशी में बाबा विश्वनाथ धाम बाबा रूप में आ पाएगा, जो कि पहले कल्पना थी आज हकीकत है। पहले लोग सोचते थे और कोई नारा लगाता था तो कोई सरकार झूठा मुकदमा लिखती थी, लेकिन आज पहल करके दर्शन करवाने की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। पहले और आज की अयोध्या को देखिए तो लगता है कि त्रेता युग आ गया है। यह कार्य तभी संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार है, इसलिए सभी लोग भाजपा को जिताएं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। के तहत आज महिला नारी अपने आप को सुरक्षित इस उत्तर प्रदेश, इस गोरखपुर में कर रही है। आज गोरखपुर एक नजीर पेश कराता समस्त भारत में, और आज उस संख्या बतावत दिया कि महाराज जी धन्यवाद। हर बहन बोल रही है महाराज जी धन्यवाद, हर बेटी बोल रही है महाराज जी धन्यवाद, हर स्कूल की लड़की जो स्कूल जाती है वो कह रही है महाराज जी धन्यवाद, हर बहू कह रही है महाराज जी धन्यवाद कि आज हम सुरक्षित हैं महाराज जी। आपके स्वागत पर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी की हमें उत्तर प्रदेश की उपाधि। आज 1006 करोड़ की जो सौगात बा, इसमें पूज्य महाराज जी कुछ फ्लाईओवर बांटे महाराज जी बताई हैं। आज अनगिनत सौगात है स्मार्ट क्लास जो हम खास ध्यान देना चाहते हैं महाराज जी। एक बार बीच में शिक्षक लोगों के एक सभा के लिए रहना, हमें अनगिनत शिक्षक लोग आए थे, बहुत सारे शिक्षक होंगे यहाँ। महाराज जी उन लोगों से बच्चे लोगों के पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, सरकारी स्कूल की व्यवस्था के बारे में पूछ रहे थे। फिर महाराज जी ने कहा कि स्मार्ट क्लास है कि नहीं। हम भी वहां बगल में बैठे थे, हमको भी समझ में ना आया कि महाराज जी स्मार्ट क्लास के बारे में क्या बता रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम अगर क्यों के नहीं मालूम बा या तो मालूम हो गई हुई, ये वो क्लास है जो हमारे बच्चों को अपग्रेड करती है कंप्यूटर बड़े टीवी स्क्रीन के माध्यम से। कुछ लड़का बच्चा लोगों के दिमाग की शक्ति के विजुअली दिखाते हैं, चित्र बन के हर चीज पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है और पूरे वर्ल्ड में ये पढ़ाई चल रही है स्मार्ट क्लास के साथ डिजिटली द्वारा। आज उसकी सौगात भी 1006 करोड़ में, जो कि बहुत बड़ी सौगात है। जैसे कि महाराज जी के लिए आप लोग जानते हैं कि गोरखनाथ पीठ जानी जाती है एजुकेशन की। सरकार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर नेक्स्ट श्री सचिदानंद, अगले लाभार्थी
श्री रवि सिंह अपने प्रमाण पत्र को कृषि विभाग योजना के लाभार्थ को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त प्रमाण पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को श्रीमती ललिता देवी जी कर कमलों से सभी जन तालियों के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस प्लास्टिक पार्क निवेश परियोजनाओं के समावेशी विकास की लिखी है नई कहानी। 48 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास आप मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दें, जिसमें पाटखंड लोक निर्माण विभाग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग संदेश श्रद्धा विश्वास रूपिणों मंच पर विराजमान हम सब के पर से अधिक की परियोजनाओं के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, पहचानते हैं रविकिशन शुक्ला को? कितने लोगों ने उनके फिल्म देखी है? सभी लोग देखे हैं ना? लोकप्रिय सांसद कुशीनगर श्री विजय दुबे जी, रविकिशन जी उनको घुमाने के लिए आए हैं कि देख लो गोरखपुर कैसा है। महापौर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, मान्य विधायक चिल्लुपाल श्री राजेश त्रिपाठी जी, मान्य विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए महानगर और जनपद वासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। ये होली, क्योंकि होली जिस समय आएगी उस समय चुनाव चलना होगा, ये मंच पर जो हमारे सांसद गण हैं, अगर हमें किसान जी श्रेणी मुंबई की तरफ न जाए तो हो सकता है तुम्हें चुनाव अखाड़े में हो गए। और उस ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक है कि फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार केंद्र में बने, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए विकास की योजनाओं का लाभ अनवरत रूप से आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता रहेगा। इसी के लिए आज एक बार फिर से मैं गोरखपुर में आया हूं। मैंने भाइयों, पूरा देश आज उत्साह और उमंग के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या धाम में आपने देखा होगा 1 महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। 65 लाख श्रद्धालुओं ने, आप कितने लोग आप में से गए हैं अयोध्या? और लोग कितना जाने के इच्छुक हैं अयोध्या? ऐसा नोट कर लो, अयोध्या का सांसद बन अगले 1 सप्ताह के अंदर सबको अयोध्या ले जाने के।
63 में आंदोलन होते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर नहीं बनाएंगे, और अब तो रामलला भी आ गए हैं तो कम से कम दर्शन करके तो लाएंगे, ये तो व्यवस्था करो। लेकिन आज सरकार पहल करके दर्शन करने की व्यवस्था करवा रही है, सुविधा उपलब्ध करवा रही है, और अयोध्या जो पहले गया होगा आज से 2-3 साल पहले अयोध्या गया होगा, और आज के अयोध्या को देखिए एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे क्रेटा काली अयोध्या में आ गए। ये कार्य तभी संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो दिक्कतें होती, तब अन्य धारा अन्य सरकारें बैरियर का काम करती है, जातिवादी सरकारें, ये तो न घर की है न घाट की, क्योंकि जातिवाद के नाम पर केवल और केवल अपने परिवार का कार्य करते हैं। इन्होंने अपने परिवार का, परिवार में भी भाई का, भतीजे का, चाचा का, काका का, उसके अलावा बाहर नहीं, सबके जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ करते रहे, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, बेटियों की सुरक्षा के साथ। आज आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार है तो श्रमिकों के बच्चों के लिए कलावा से विद्यालय बन रहे हैं। कभी जाइए सैजनवा में अटल आवासीय विद्यालय देख के आइए कैसे बनता है, कैसे कार्य हुआ है। अटल आवासीय विद्यालय मॉडल श्रमिकों के बच्चों के लिए भी, अनाथ बच्चों के लिए भी। एम्स गोरखपुर के तमड़ा संस्थान बन गया है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज आधुनिक रूप में आ गया है, और ऐसे ही आयुष विश्वविद्यालय भी गोरखपुर में बन गया है। इसके लिए सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका लाभ न केवल हमारा युवा लेगा बल्कि हमारा प्रदेश भी लेगा और हमारा